कि जिस तरह के नतीजे आए हैं तो लोकसभा चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। बीजेपी जुड़ गई है, आज खुद जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छिंदवाड़ा गए हैं, वहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले की सभी 7 विधानसभा सीटें जो हैं वो बीजेपी की झोली में चली गई हैं। आप क्या मानते हैं अब कांग्रेस के जो है, चूंकि कोर संगठन के साथ साथ जो है क्षेत्रों में भी अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश करने को लोग क्या कवायद करने जा रही है? देखिए, मेरा तो मानना है कि जिस तरह के नतीजे आए हैं तो लोकसभा चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। क्या भरोसा? आप नहीं लड़ने की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं लड़ना सर? क्या अब ये तो आप भी जानते हैं क्यों नहीं लड़ने की बात कर रहे हैं। जब जमीनी हकीकत कुछ दूसरी रहती है, नतीजे कोई दूसरे आते हैं, तो सभी समझदार हैं कि क्या होने वाला है। तो फिर बीजेपी कह रही है कि आप तो चाहे सुप्रीम कोर्ट भी चले जाएं ईवीएम को लेकर, लेकिन कांग्रेस की देन है ईवीएम मशीन? जी, कांग्रेस की देन होगी, लेकिन पुनर्विचार करने के तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी सोच सकते हैं। यदि पूरे देश में हल्ला है ईवीएम के बारे में, सभी विपक्षी दल उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो यदि निष्पक्ष कराना है, सबकी आवाज बंद करनी, तो एक दफे लोकसभा चुनाव में बिना मशीन के हो जाए, फिर उसके बाद ठीक रहेगा तो चालू रखें।